फ्रेंड्स, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख रहे थे। हमने देखा था लास्ट लेसन में कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली पोस्ट थी उसको एबॉलिश करके और वाइसरॉय वाली पोस्ट को यहाँ स्थापित किया गया था इंडिया में। और पहले हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इसके बाद 1861 में और एक हमारा ऑफिस बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसको एडजस्ट करने के लिए काउंसिल बनी थी जिसमें 15 मेंबर्स थे जो कि एडवाइजरी थी। सब हमने देखा था लास्ट लेसन में, आप देख सकते हैं उसको जाके। फिर उसके बाद हमारा आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट में सबसे पहला फंक्शन क्या था कि जो हमारा वाइसरॉय था, वाइसरॉय के साथ एक काउंसिल जोड़ी गई जिसका काम था, जो ऑफिशियल काउंसिल नहीं थी, जो सिर्फ लॉ मेकिंग में हेल्प करती थी, पर उसके अंदर कुछ लोकल पार्टिसिपेशन यानी कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसके अंदर दिया गया, क्योंकि अब उनका उद्देश्य क्या था कि हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है और हमें पता चल चुका है कि इंडियंस कभी भी अगर इनका दिमाग खराब हुआ तो ये हम लोगों को उखाड़ फेंक सकते हैं यहां से, जैसे कि अभी इन्होंने 1857 में रिवॉल्ट करा है। तो उसी के तहत उन्होंने सोचा कि पार्टिसिपेशन इंडियंस का लॉ मेकिंग में बढ़ाया जाना चाहिए, इन लोगों को लॉ मेकिंग में इंक्लूड करेंगे जिससे कि ये खुद अपने एरिया को समझ सकेंगे कि किस तरह से हमारे एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वहां का अच्छा सा लॉ बनाया जाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो लोकल पार्टिसिपेशन यहां से स्टार्ट हो गया। तो जो वाइसरॉय की जो काउंसिल थी, जो लॉ मेकिंग के लिए उसके साथ बॉडी थी वाइसरॉय की, तो अनऑफिशियल बॉडी लोकल पार्टिसिपेशन के लिए बना दी गई कि कुछ लोकल पार्टिसिपेशन कुछ लोगों को उठाओ और वाइसरॉय के साथ जोड़ दो, जो वाइसरॉय उनसे सलाह लेगा जब भी वहां पर लॉ बनाएगा। ठीक है, ये सब जो मेंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद क्या हुआ, एक ये खास बात थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट की वो थी, इसको 1861 1862 भी बोल सकते हैं, 1862 में आया था ये, कि जो हमारा बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज थी जिनकी पावर पहले छीन ली गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बने थे तो सारे सबॉर्डिनेट हो चुके थे बंगाल गवर्नर के, तो अब उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि जो लोकल्स हैं उनको पावर दो। अभी तक सेंट्रलाइजेशन था यानी कि गवर्नर जनरल एक था वो सारा देखा करता था और बाकी की जितनी प्रेसिडेंसीज थी वो सब उसके सबॉर्डिनेट थी। अब क्या करा, जो लोकल्स थे यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो उनको भी अपना लॉ बनाने के लिए पावर दे दी गई, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। ये दूसरा फंक्शन था यहाँ का। ठीक है, इस महत्वपूर्ण फंक्शन के बाद तीसरा हमारा जो फंक्शन था वो ये था कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। अभी तक जो थे हमारे बॉम्बे था, मद्रास था, बंगाल था, इसके बाद फिर उन्होंने कुछ न्यू काउंसिल बनाई गई जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब NWFP, इसके अलावा फिर उन्होंने बनाया वो था हमारा बंगाल और पंजाब, इन तीन जगह पे भी उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, सेपरेट काउंसिल बनाई जिससे कि वो अच्छी तरीके से लॉ बना सके। जैसे कि अब हमारा सिस्टम जो होता है, फेडरल सिस्टम जो है इंडिया में फॉलो होता है, उसमें स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और सेंटर में हमारा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा होती है जो कि लॉ मेकिंग में हेल्प करती है, लॉ मेकिंग जिसको हम चुनते हैं उस बॉडी को। तो ऐसी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब में, बंगाल और पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा और जो इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, इंडिया फीचर था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट का, वो ये था कि पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया जो कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था, उसको रिकॉग्निशन दिया गया इस एक्ट के तहत। तो ये ध्यान रखना आप, इस एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है जैसे हु इज द फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, देन दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इस कंसेप्ट को स्टार्ट करा था पोर्टफोलियो सिस्टम को, और 1862 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके तहत उसको वेरीफाई हुआ था वो। ठीक है, यानी कि इनएक्ट हुआ था, फिर बोल सकते हैं उसको रिकॉग्निशन मिला था। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे सपोज करो किसी घर में शादी हो रही है, तो किसी घर में शादी होगी तो कई सारे काम होते हैं उस शादी में। ठीक, एक हमारा व्यक्ति देखेगा तो जो हेड है शादी के यानी कि जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है ये हमारे चाचा, इन चाचा को क्या करना है, जितना भी शादी के अंदर गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को रुकवाने की व्यवस्था करनी है। ये सारा किन के अंडर में, उनके चाचा के अंडर में हो गया। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया
कि जितना भी गिफ्ट जो देने हैं गेस्ट को वो ये वाला व्यक्ति देखेगा। फिर उन्होंने एक को रिप्रेजेंट कर दिया, एक व्यक्ति को बैठा दिया कि भाई तुम्हारा काम है जितना भी जो भी खाने पीने का सामान रहेगा शादी के दौरान, ठीक है, जितना भी खाने पीने का है उस सबको आप देखो। टेंट वगैरह का उन्होंने एक और व्यक्ति को दे दिया, साउंड सिस्टम डीजे वगैरह लगाने के लिए किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया। तो इसका काम क्या है, डीजे को देखना, साउंड की व्यवस्था करना। उसका काम क्या है, गिफ्ट के लिए। एक का काम क्या है, गेस्ट केयर करना, ठीक है, एक का काम है गिफ्ट प्रोवाइड करना, एक का काम है खाने के लिए व्यवस्था करना। तो यानी इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, एक डिपार्टमेंट दे दिया कि पूरा खाने को तुम देखो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट आपको दे दिया, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया। उस समय टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता था, ठीक है, उस समय चिट्ठियां वगैरह जाती थी, तो टेली नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक रोडवेज हो गया। तो इस तरह से जो मिनिस्ट्रीज भी हमारी होती है वो किस तरह से होती है, ऐसी पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया और उसको आप एडमिनिस्ट्रेट करो, ठीक। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम का जो रिकॉग्निशन था वो इस 1859 एक्ट के तहत मिला। इसके अलावा जो इसका और एक मेन पॉइंट था, यानी मेन फीचर था, वो ये था, जो वाइसरॉय था हमारा, उस वाइसरॉय को एम्पावर करा गया कि तुम ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो भी एक तरह से लॉ होता है। तो उस लॉ को इमरजेंसी के दौरान जिसको इश्यू किया जाता है वो ऑर्डिनेंस होता है, जिसको वाइसरॉय इश्यू कर सकता था और जिसकी वैलिडिटी थी 6 मंथ की। तो ये 5-6 फीचर जो कि इस एक्ट के अंदर शामिल थे, जो कि हमें याद रखने चाहिए या ध्यान रखने चाहिए। इनके ऊपर आगे पीछे क्वेश्चन बन सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कौन से काउंसिल एक्ट से स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट कराया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट करा था। रिकॉग्निशन पोर्टफोलियो सिस्टम को कौन से ईयर में मिला था, तो हम बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में मिला था, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। इसके बाद हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1991, ठीक है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।